नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरद विजय चव्हाण और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी की दिवाली काफी अच्छी कट रही होगी और कल दिवाली के मौके पर यानी कि 1 नवंबर 2024 को रिलीज हुई थी बॉलीवुड की तरफ से एक नहीं बल्कि दो दो बड़ी फिल्में यानी कि भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन। दोनों ही मूवीज मैं देख चुका हूं, उनका रिव्यू भी हमने किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। मूवी को देखने के बाद एक चीज तो तय है, इन्हें कुछ क्लासिक या कल्ट मूवी नहीं बनानी थी, इन्हें दिवाली ये सीजन एनकैश करना था, इन्हें उनका जो फ्रेंचाइज है सिंघम हो या भूल भुलैया हो उसको एनकैश करना था। सो एक मनी मेकिंग स्कीम या मनी मेकिंग स्कैम इन्हें बस करना था और ज्यादा कुछ स्टोरी पे ध्यान दिया नहीं, बस जल्दी से जल्दी इसका सीक्वल लाओ और उसको रिलीज करो और सिंघम अगेन में थोड़ा हमारा रामायण के साथ कनेक्शन बना के थोड़ा इमोशनली भी हमें अटैच करने की कोशिश की है। हाँ, आप एंजॉय करोगे लेकिन अगर आप हार्डकोर मूवी के फैन हो तो ये दोनों ही मूवीज आपको पसंद नहीं आएगी। अगर आप हार्डकोर मूवी कुछ अच्छा देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए है नहीं। एनीवेज, देखते हैं आज का ये वीडियो है कि इसका दोनों ही फिल्मों का फर्स्ट डे का कलेक्शन कितना था। मैंने अपने एडवांस बुकिंग के वीडियो में बताया था कि भूल भुलैया को मिले थे कुछ 8,800 शोज और सिंघम अगेन को मिले थे कुछ 11,900 के आसपास के शोज। सो उस हिसाब से आप कंपेयर भी कीजिएगा क्योंकि आज हम ऑक्यूपेंसी भी आपको बताएंगे और इसका कलेक्शन भी बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अर्ली एस्टिमेट भूल भुलैया का कितना आया है। सो अर्ली एस्टिमेट फर्स्ट डे का, फ्राइडे का भूल भुलैया का है 35.50 crore। ये है इंडिया का अप्रोक्सीमेटली ग्रॉस कलेक्शन होगा। ये कल ओवरऑल भूल भुलैया 3 की ऑक्यूपेंसी थी हिंदी शोज की 75.30% की, जिसमें मॉर्निंग शोज के थे 50.67%, आफ्टरनून के थे 81.86%, इवनिंग के थे 83.90%, तो नाइट शोज के थे 84.77%। अब आते हैं सिंघम अगेन की तरफ। जस्ट बिकॉज सिंघम अगेन को ज्यादा शोज मिले थे तो उसका कलेक्शन थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू भूल भुलैया 3। सिंघम अगेन का कल का अर्ली एस्टिमेट आया है 43.50 crore का। अभी हमारे पास इसने ओवरसीज में कितनी कमाई की है इन दोनों ही फिल्मों ने या वर्ल्ड वाइड इसका कितना कलेक्शन हुआ है उसके बारे में जानकारी नहीं है। ये केवल और केवल हिंदी इंडिया के नेट शोज, हिंदी इंडिया के शोज के बारे में है और उसका ग्रॉस कलेक्शन हमें इसमें दिखाई दे रहा है। सो जहां पे भूल भुलैया 3 आई थिंक 35.50 crore थी, वही पे सिंघम अगेन है 43.50 crore। कल ऑक्यूपेंसी अगर आप कंपेयर करोगे तो भूल भुलैया के कंपैरिजन में इसकी ऑक्यूपेंसी कम थी। इसकी ऑक्यूपेंसी थी 65.35% की, भूल भुलैया की थी 75.30% की। लेकिन फिर भी आपको सिंघम अगेन का कलेक्शन ज्यादा दिखाई देगा क्योंकि शोज ज्यादा थे, ऑलमोस्ट 2.5 के ज्यादा शोज थे कंपेयर टू भूल भुलैया 3। सो 65.35% ऑक्यूपेंसी में से मॉर्निंग शोज की इसकी ऑक्यूपेंसी थी 39.39% की, आफ्टरनून की थी 71.90% की, इवनिंग की थी 75.91% की, तो नाइट शोज की 74.19% की। सो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के यानी कि जो बड़े दिग्गजों के भिड़ंत की एक कहानी, एक छोटू सा वीडियो, एक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो याद से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।